नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया हमारे चैनल पारस होम्योपैथी में आप का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों कि यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के केस में सर्जरी से आपको किस तरीके से बचा सकते हैं या होम्योपैथी दवाइयों का रोल कितना असरदार इसके अंदर रहता है, या हमारे जो फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर हैं उनके जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर भी इस वीडियो के अंदर निहित रहेंगे। दोस्तों चलिए अपन बात करते हैं यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के बारे में। यूरिथ्रल स्ट्रक्चर से रिलेटेड वीडियो हमारा पहले भी आ चुका है, लेकिन तो यूरिथ्रल स्ट्रक्चर जो प्रॉब्लम है वो सर्जरी बार बार करवाने के बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम समस्या है जो दूर नहीं हो पाती है, या स्ट्रक्चर जो है एज इट इज बना रहता है या कुछ टाइम रिलीफ लेके वापस ये बन जाता है, उसके अंदर बार बार आपको प्रोसीजर के तहत जाना पड़ता है, उनसे आपको किस तरीके से अपन बचा सकते हैं। दोस्तों यूरिथ्रल स्ट्रक्चर में पहले आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा कि यूरिथ्रल स्ट्रक्चर क्या है। दोस्तों आपके पेशाब की नली या ब्लेडर से जहाँ से यूरिथ्रा स्टार्ट होती है, जहाँ पर अपना यूरिन पास होता है, वहाँ तक की जो नली होती है उसको यूरिथ्रा बोलते हैं। उसमें किसी भी वजह से सिकुड़न होना, यानी वो नली अगर वहाँ से सिकुड़ जाती है या पतली हो जाती है, उसको यूरिथ्रल स्ट्रक्चर मेडिकल लैंग्वेज के अंदर बोला जाता है। अब वो इसके कारण भी मोटे मोटे कारण मैं आपको बता देता हूँ कि ज़्यादातर जो केस होते हैं वो आपके कुछ केस के अंदर होता है हेरिडिटरी। अगर परिवार में किसी को ऐसी दिक्कत होती है तो उनकी जो संस्कृति होती है या जनरेशन होती है उनके अंदर भी हो सकता है, लेकिन जो मेजर कोज रहते हैं अपने जन्म के बाद में काफ़ी सारे अपनों कई बार ऑपरेशन के प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, या फिर अंदर नली डाली जाती है, कैथेटर डाला जाता है किसी भी वजह से, तो उसकी वजह से इंजरी होने की वजह से भी यूरिथ्रल स्ट्रक्चर बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके साथ साथ में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या इन्फेक्शन यूरिन के अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ जमा होना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ घाव पड़ के वहाँ पर थोड़ा सा जो है नली सिकुड़ जाती है। इसके साथ में गोनोरिया डिजीज होती है, वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, उसके अंदर भी काफ़ी केसेज में देखने को मिलता है यूरिथ्रल स्ट्रक्चर। दोस्तों कुछ केसेज के अंदर इंजरी की वजह से कहीं कोई चोट लग जाती है, उनकी वजह से भी ये यूरिथ्रल स्ट्रक्चर बन सकता है। अब दोस्तों कई बार जो पथरी है, स्टोन, जो किडनी स्टोन है वो पास होती है, वहाँ पर इंजरी करती है, ब्लीडिंग होती है, उस वजह से भी कई बार यूरिथ्रल स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। अब ये मोटे मोटे इसके कारण हो गए। अब अपन बात करते हैं दोस्तों कि ये यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के केस कितने क्या सक्सेस होते हैं, या होम्योपैथी मेडिसिन इसमें कितना क्या रोल करती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती है वो नेचुरल तरीके से वर्क करती है, उसके कारण पे जाती है, यानी कि उसकी मूल जो जड़ है वो क्या होती है। जैसे आपको इंजरी की वजह से हुई है तो मेडिसिन सिलेक्शन अलग हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उसके लिए मेडिसिन सिलेक्शन अलग हो जाता है, या फिर पर्टिकुलर कोई किसी तरीके का आपको इन्फेक्शन रहा होता है उसके लिए पर्टिकुलर मेडिसिन अलग होती है, या जो फाइब्रस टिश्यू बनता है वहाँ पर जो थिकनिंग बनती है उसको दोस्तों मेडिसिन रिमूव करती है, साथ साथ में वो जो नली के अंदर हार्डनेस आती है उसको धीरे धीरे स्मूथ करते हैं, धीरे धीरे उसको डायलेट करती है, तो आपको बार बार सर्जरी की प्रोसीजर के लिए जाना नहीं पड़ता है। आपने देखा होगा यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के लिए यूरिथ्रोस्कोपी करते हैं, अंदर स्टंट डालते हैं, यूरिथ्रोप्लास्टी करते हैं, काफ़ी तरीके या डायलेशन करते हैं बार बार अंदर बैलून डाल के, तो ये जो प्रोसीजर है वो कुछ टाइम तक वर्क करते हैं, उसके बाद वापस आप इसी स्टेज में आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये भी बताना चाहूँगा कि होम्योपैथी आप लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या रहती है, कि बहुत ज़्यादा रहती है होम्योपैथी से कि मैं एक महीने में ठीक हो जाऊँगा, मेरे डेढ़ महीने में बिल्कुल क्लियर हो जाऊँगा, क्या सर मेरे बाद में दिक्कत होगी नहीं। दोस्तों होम्योपैथी मेडिसिन से जैसे भी आप रिजल्ट देखना चाहें कम से कम डेढ़ से दो महीने या ढाई महीने भी कई बार इन केसेस में लग जाते हैं रिजल्ट आने के अंदर। कारण रिजल्ट तभी आएंगे आपके जब आपकी नली है धीरे धीरे डायलेट होना या फैलना स्टार्ट करेगी, उससे आपको सिम्टोमेटिकली जो है फायदा मिलने लग जाएगा। जैसे इसमें मोर नॉर्मल प्रॉब्लम रहती है कि पेशाब की धार प्रॉपर नहीं आती है, पेशाब खुल के नहीं लगता है, बूंद बूंद गिरता है, जोर लगाना पड़ता है, या फिर पेशाब करने के बाद भी आपका यूरिन जो है ब्लेडर के अंदर रह जाता है, या बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है, संतुष्टि नहीं होती, कई बार यूरिन के अंदर जलन, दर्द और खून के चांसेस भी बनते हैं। वो उन जो सिम्टम्स के अंदर दोस्तों होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बाद धीरे धीरे आपको रिलीफ मिलने लग जाता है, यानी डेढ़ से दो महीने के बाद में। तो आप उसको कंटिन्यू करने से केस टू केस डिपेंड करता है कि आपका कितना लंबा केस है, कितनी ज़्यादा स्ट्रक्चर वहाँ बना हुआ है, वो धीरे धीरे इंप्रूव करने में जितने महीने लगते हैं वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स आपकी केस के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन ये जो केस होते हैं उनके अंदर अगर आपको रिजल्ट आ जाते हैं तो वो धीरे धीरे स्लो बाय स्लो आराम से ठीक होते हैं। दोस्तों मेडिसिन के लिए मैं आपको सजेस्ट करना, कुछ लोगों के क्वेश्चन ये भी रहते हैं कि सर हमें दवाई बता दीजिए या हम किस तरीके से लें। दोस्तों आपका ये क्वेश्चन है वो आपका वाजिब
अजीब है, लेकिन आपको होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन लेनी चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग स्टैंडिंग केस होते हैं, इनमें जो इम्प्रूवमेंट होता है वो धीरे धीरे देखने को मिलता है। अगर आपने ऐसे सिलेक्शन करके मेडिसिन ले ली तो आप बहुत जल्दी ही एडजस्ट हो जाएंगे कि मेरा तो होम्योपैथी से भी ठीक नहीं होना, मैं तो ठीक ही नहीं होना। तो इसलिए जरूरी है कि आपको एक क्वालिफाइड होम्योपैथी चिकित्सक से परामर्श लेके ही इन चीज़ों का ट्रीटमेंट आप स्टार्ट करें। दोस्तों, काफ़ी सारी मेडिसिन होम्योपैथी के अंदर आती है, मैं आपको कुछ के नाम बताना चाहूँगा। आर्निका है, बहुत अच्छा रोल करती है उन केसेस के अंदर जहां इंजरी के केस होते हैं। दोस्तों, इसके अलावा कोस्टिकम अच्छा रोल करती है, ग्रेफाइटिस, थायोसिनामिनम, इसके अंदर कैंथरिस, क्लेवाइटिस इरेक्टा, उसके बाद चिमाफिला, कोनियम मेकुलेटम, थूजा ऑक्सीडेंटलिस, मेडोरिनम, आर्सेनिक आयोडम, मैग्नीशिया म्यूर, ये जो मेडिसिन है ये टॉप लीडिंग मेडिसिन होती हैं। ये अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स डिसाइड की जाती है कि किस केस में कितने टाइम तक ये दवा आपको देनी है। उसके बाद जो मेडिसिन है उसकी पावर क्या रखनी है, यानी पोटेंसी किस पोटेंसी में आपको देना है, कितने टाइम तक देना है, ये टोटली डिपेंड करता है दोस्तों डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन पे और पेशेंट के सिम्टम्स पे। इसलिए दोस्तों, कभी भी आप ट्रीटमेंट लें तो डॉक्टर की सलाह से वगैरह नहीं लें। दोस्तों, अगर किसी तरीके की क्यूरी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है जो है, आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। हम आपके कॉल अटेंड नहीं कर पाते हैं काफ़ी बिजी रहने की वजह से, या कई बार कई कॉल आते रहते हैं, या कई बार बात चल रही होती है, तो आप हमारे व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर मैसेज छोड़ सकते हैं। उसका जब भी हमारे को समय मिलेगा, हम उनका आंसर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, जियो जिंदगी के रंग, होम्योपैथी के संग। धन्यवाद दोस्तों।